वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवशेष में। कैसे हैं आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और क्योंकि आज संडे है, मेरी कोशिश रहती है कि अपनी शेविंग में थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करूं, थोड़े से लग्जरियस प्रोडक्ट्स को यूज करूं। तो आज कुछ ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो जल्दी से मैं पहले उनके बारे में आपको बताता हूं। सो टुडे द शेविंग क्रीम विच आई एम यूजिंग इज True Fit and Heal and it is Sandalwood Shaving Cream। इससे पहले एक वीडियो में मैं इसी कंपनी की जो शेविंग क्रीम के बारे में अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं, उस क्रीम का नाम 1805 था और आज जो है वो True Fit and Heal की Sandalwood Shaving Cream का यूजर एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो टिपिकल दैट क्लासिक True Fit and Heal टब। So, इसका एक लेड होता है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक का एक लेड है जो भी, यस दिस इज दैट लेड। दिस इज दैट लेड, दिस टब इज कवर्ड विद दिस लेड एंड दिस इज द क्रीम। अब यार एक चीज मैंने देखी है कि ये जो ब्रिटिश कंपनियां हैं True Fit and Heal या Tops, टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट ऑफ लंडन, ये सैंडलवुड की जो इन्होंने क्रीम बनाई है उसमें सैंडलवुड की जो स्मेल है उसके नोट्स मेरे को तो कभी नजर नहीं आते। बट न जाने क्यों जब उनको मैं ऐसा स्मेल करता हूँ तो एक अलग ही जोन में चले जाता हूँ। बहुत ही मध्यम फ्रेग्रेंस है इसकी एंड इट इन्वोक्स योर ऑल द सेंसेस इन अ वेरी 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 स्लो एंड मैच्योर मैनर। तो क्या बात है, मगर मेरे को इसमें सैंडलवुड के वैसे नोट्स नहीं आ रहे जैसे हम भारतीयों को आदत है। ओके, बट जो भी है बहुत ही क्लासिक, बहुत ही बढ़िया स्मेल है इसकी। सो यू कैन सी दिस इज द क्रीम, बिल्कुल वाइट और 190 ग्राम का ये टब है। तो आज इसको यूज करेंगे। आज मैं फेस लादरिंग ना करके बोल लादरिंग करूंगा एंड आज का जो मेरा शेविंग टूल है मेरा रेजर, यस वन ऑफ माय फेवरेट्स पार्कर 91R, काफी टाइम बाद इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और वेट शेविंग की जब मैंने शुरुआत की थी तो शुरू के 3-4 जो रेजर थे मेरे जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए उनमें से ये पार्कर का पहला रेजर था। So you already know that it is a closed comb razor। और इसमें जो आज मैं ब्लेड यूज करने वाला हूँ इसका पहला इस्तेमाल होगा एंड द ब्लेड इज स्टेटम। और अपने वीडियोज में आज मैं पहली बार इस ब्लेड को यूज करूंगा और इसका पहला इस्तेमाल होगा इस स्टेटम ब्लेड का। इससे पहले मैं एक बार यूज कर चुका हूँ इस ब्लेड को। सो स्टेटम के बारे में कुछ बताऊं आपको, बहुत महंगा नहीं है, इसमें 18 रुपए का ये पक आता है, पक कह रहा हूँ सॉरी, जो ये पूरा ब्लेड का पैक आता है 18 रुपीज का। और इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रेट वाइट ग्लोबल प्रोडक्ट एंड इन हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, हरिद्वार उत्तराखंड में बना हुआ है। और तो ग्रेट वाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो स्टेटम का जो मेरे को ये पैक मिला है ये shavingkit.in, वहां से एक मैंने सैंपल पैक मंगाया था उसके साथ मेरे को मिला है। तो लेट्स सी हाउ दिस ब्लेड परफॉर्म टुडे। सो सबसे पहले इसको लोड कर लेते हैं। सो बाहर की कवरिंग, अंदर का जो है ये बटर पेपर वाली कवरिंग और उसके अंदर ये ब्लेड स्टेटम। सो धीरे धीरे जो है जब वेट शेविंग से हम जुड़ते हैं तो नए नए ब्लेड्स के बारे में भी पता लगता है। ये तो पहले से दिमाग में वही था कि 7 o'clock टोपाज सुपरमैक्स, मैं बाद में पता लगा कि बहुत सारी कंपनियां बहुत अलग अलग तरह के ब्लेड्स भी बनाती हैं। सो यू कैन सी वेरी स्लाइट ओवरहैंग एंड दिस इज द ब्लेड कैप। सो ये जो है इसको मैं जो है एग्रेशन के मामले में, एग्रेसिवनेस के मामले में 4 to 4.5 रखता हूं। ओके, तो चलिए
देर किस बात की शुरू की जाए कि शेविंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू अप्लाई प्रीशेव ऑयल। सो ये पिंक वुल्फ का सैंपल जो है प्रीशेव ऑयल है, जो सुबोध शर्मा जी ने मेरे को भेजा था काफी पहले, और सी बकथर्न एलोवेरा जो है इसकी फ्रेग्रेंस है। सो थोड़ा सा लूंगा मैं एज यूजल, बहुत ज्यादा पुताई नहीं करनी है चेहरे की, और बहुत ही लाइट ऑयल है ये। सो डेफिनेटली प्रीशेव ऑयल हेल्प्स अ लॉट, ऐसा मैंने शुरू में मेरे को लगता था ये सब जो है कंपनियों के मार्केटिंग गिमिक्स हैं, मगर धीरे 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 जो है मेरी ये भ्रांति दूर हुई और आपकी शेविंग को बहुत ही अलग लेवल पे प्रीशेव ऑयल ले जाता है। सो आज का ब्रश, पहले मैं जरा लेट मी स्क्वीज आउट ऑफ द वॉटर। सो दिस ब्रश इज SMB601 क्रोम पर्ल का, काफी डेंस नॉट है इसका और बहुत ही बढ़िया लग बनाता है ये। यस, बिलोंग्स टू कंपनी पर्ल। सो थोड़ी सी क्रीम लूंगा मैं, सो दिस मच इज इनफ। बोल में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, बहुत ज्यादा डालेंगे तो आपका जो लादर काफी थिन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने अपने FB में जो हमारा ग्रुप है उसमें कुछ जो हमारे यंग शेवर्स हैं उनके व्यूज इस बोल के बारे में पढ़े, तो कुछ लोगों को थोड़ी सी लादा बनाने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे लगा लादा थोड़ा कुछ लोगों का पतला बना, काफ़ी थिन बना, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए लादा बढ़िया बनेगा। सो यू कैन सी बहुत कम टाइम में अच्छा लादा बन गया। थोड़ा सा पानी और डालता हूँ। तो हमारे ग्रुप में हमारे एक आशीष भाई हैं, आशीष आहूजा, उनको ब्रश के बारे में, शेविंग के जो ब्रशेस हैं नेशनल ग्लोबल और जो देसी ब्रशेस के बारे में बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। तो एक बार मेरी उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चल रहा था ब्रश के बारे में, तो उन्होंने मेरे को यही सलाह दी कि सर फेस लादिंग तो आप करते हो, बोल लादिंग करिए, इससे जो होता है कि आपकी जो ब्रश होता है उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। सो यू कैन सी क्या बढ़िया लादा बनाए, और लादा से भी अच्छी क्या बात है, जो इसकी स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो वाकई में लग्जरी का एहसास कराती है। आपको वैसे कुछ नया भी बोल लिया करो, हर बार यही बोलते रहते हो और लालच देते हो कि ये सब प्रोडक्ट्स हम भी खरीदें। बट यस, ट्रू फैट हिल जो है हमारे जो, क्योंकि ये थोड़ी सी लग्जरियस क्रीम के लेवल में आती है, तो यस इट कॉस्ट अ लिटिल बिट लॉट। नॉर्मली 2,300 से लेके 2,500 तक की ये क्रीम आती है। बट यस, अगर आप रेगुलर केवल इसी क्रीम को यूज़ करते हो और रोटेशन में कोई और क्रीम नहीं यूज़ करते या सोप नहीं यूज़ कर सकते करते, तो ये कम से कम 1-1.5 साल तो चलती है। चलिए, सो दैट्स इनफ ऑफ द लादर, लेट मी अप्लाई ऑन माय फेस।
बोल लॉन्ड्री में अच्छी चीज ये है कि फिर आपको फेस में केवल पेंटिंग स्ट्रोक्स करने हैं, कुछ आपके ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, तो टाइम आपका बच जाता है काफी। मगर ये भी बात है कि ब्रश के साथ आपके जो गाल होते हैं, आपकी जो स्किन एरिया होता है, बियर्ड एरिया, उसकी जो एक्सफोलिएशन होता है वो शायद इसमें ही होता, मगर फिर बाकी का काम रेजर कर ही देता है। तो ट्रोफेटिन हिल क्रीम जो इसके लादर जो है इसकी स्लिकनेस बहुत ही टॉप नॉच रहती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए फर्स्ट पास आई एम यूजिंग पाकर 91R और जो ब्लेड जो मैंने रखा है आज इसमें जो लोड किया हुआ है ब्लेड दैट इज स्टेटम। सो फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन। कितनी बार ऐसा होता है जब हम शिफ्ट होते हैं मल्टी कार्ट्रिज शेविंग से वेट शेविंग की तरफ, तो कई बार जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, सब्सक्राइबर दोस्त हैं, वो मेरे से पूछते भी हैं कि ये बताइए कि आप जो ये इतनी जल्दी जल्दी आप स्ट्रोक चलाते हो मक्खन की तरह, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस से होता है। शुरू में निक्स एंड कट्स मेरे को भी आए थे मगर मैंने पेशेंस जो है नहीं छोड़ा, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मगर एक बार बताऊं, इसके थ्रू जो एक्सपीरियंस मिलता है ना पोस्ट शेव का, वेट शेविंग के थ्रू, वो मेरे को कभी भी कार्ट्रिज वाली शेविंग से नहीं मिला, ये भी एक सच्चाई है। हाँ ये भी एक फैक्ट है कि मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, और क्योंकि मैं अब चैनल भी चलाता हूं तो फाइनेंस मिनिस्टर की अक्सर डांट मेरे को सुननी पड़ती है। आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ है। तो जो पैशनेट वेट शेवर्स हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल रजामंद होंगे कि क्या क्या बहाने बनाने पड़ते हैं अपने शेविंग प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए। अब तो मैंने अपने जितने भी ये कुरियर वाले हैं उनको पहले ही कह रखा है कि मेरे को बता दिया करो कहीं मिल लेंगे या बैकडोर एंट्री से आ जाए करो। वो कहता सर ओटीपी आया होगा। मैंने कहा एक काम कर, मैं ही आता हूँ सोसाइटी के बाहर मिलने तेरे को, मजाक कर रहा हूँ, घर में आ जाता हूँ। मगर हाँ स्क्रूटनी चलती है भयंकर वाली, क्या मंगाया भैया दिखाओ, यार पागल हो तुम, ये इतने रेजर्स, एक रेजर, सारे रेजर एक से नहीं होते। अब मैं क्या समझ गया, तो स्टबल अभी यहाँ पे बाकी है। आज मेरी जो दाढ़ी थी 2 दिन पुरानी है, इधर स्टबल बाकी है, इधर भी बाकी है। सो अभी एकदम से मैं इस ब्लेड के बारे में ना बोलूं, वैसे मैं एक बार इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूं।
चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रीन, नाइस स्मूथ शेव बट आई विल नॉट रेट इट अ बीबीएस क्वालिटी. मैं बीबीएस क्वालिटी की शेव आज नहीं कहूंगा. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द क्रीम, इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लेड. तो ब्लेड के बारे में मैं अपने व्यूज अभी बताता हूँ आगे. तो यहाँ पे हल्का सा बर्निंग सेशन सेंसेशन आज हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी. चलिए लेट्स कम टू द पोर्शेप पार्ट. सो क्योंकि सैंडलवुड का मामला था सो टुडे आई एम गोइंग टू अप्लाई आफ्टर शेव. और ये टॉप्स का है, टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट ऑफ लंदन. सो स्मेल दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है, इस क्रीम की और इसकी. लाजवाब, बहुत ही अलग तरह की फ्रेग्रेंस है. तो चलिए लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस टुडे, माय रिव्यूज. तो सबसे पहले रेजर के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है. वन ऑफ द फाइनेस्ट रेजर्स अवेलेबल एट प्रेजेंट इन इंडिया. और इसके चाहने वाले बहुत हैं, मैं पहले कई बार बोल चुका हूं तो इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है. अब आते हैं ब्लेड के ऊपर. अब देखिए मैं आपको बताऊं, इस ब्लेड को सबसे पहले मैंने लास्ट वीक ही यूज किया. तो पहला जो मैंने ब्लेड निकाला तो उससे बहुत ही खुरदुरा एहसास हुआ मेरे को. ऐसा लग रहा था कि एब्रेसिव जैसी फीलिंग आ रही थी. तो और यहाँ पे तो मेरे निक्स भी आ गए थे क्योंकि मैं बहुत आराम से चला रहा था. ऐसा नॉर्मली किसी और ब्लेड के साथ होता नहीं है.
तो मैंने फिर क्या किया, मैं ये भी बताता हूँ, मैंने जॉय भाई जो अपने जॉय शेविंग वाले उनको कॉल किया, क्या किया उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि भाई कभी आपने यूज किया है? तो उन्होंने कहा सर अभी तो बाकी है मेरा करना। तो मैंने बताया मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे जो है वो तो निक्स कट तो नहीं है मगर वो एक घिसने वाली फीलिंग आ रही है, वो स्मूथनेस नहीं है। तो उन्होंने सजेशन दिया कि सर अभी आप यूज करो पहले, और हो सकता है एक ब्लेड जो हो वो एक इस तरह का ब्लेड निकल गया हो। तो मैंने कहा बात तो सही है यार, इतनी कंपनियां इतना पैसा लगाती है, हम लोगों को इतना पैम्पर करती हैं, तो उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो मैंने दूसरा ब्लेड यूज किया, उसने काम किया, अच्छा काम किया, ओके काम किया। मगर आज फिर से मेरे को रेजर ग्लाइड में वो बात नहीं आई, जबकि मैंने प्री शेव ऑयल लगा रखा था, इतनी शानदार क्रीम भी लगाई थी, मगर कहीं ना कहीं मेरे को इस एरिया में ऐसा लगा कि वो टग कर रहा है, दैट ब्लेड इज टगिंग माई हेयर। तो आज खून खराबा तो नहीं हुआ मगर वो संतुष्टि नहीं आ रही, मगर अभी और मुझे लगता है इसको यूज करना चाहिए या कोई दूसरा जो पैक है। कभी कभी लॉट गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को पहले भी हुआ है, बैचेस जो होते हैं ब्लेड के उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बिफोर आई गिव माय यू नो एनी काइंड ऑफ यू नो हार्श रिव्यू, सो लेट मी होल्ड माय टंग। तो बट यस, जिस तरह के विल्किंसन सोर्ड है और उसी तरह से जेलेट के जो ब्लेड्स हैं और इवन सुपरमैक्स प्लैटिनम है, उस श्रेणी के लेवल का ही नहीं लगा, उससे एक या दो पायदान मेरे को ये यूज करके लगा। मगर हाँ, इन ब्लेड्स की मैंने कुछ तारीफ भी सुनी है, तो कभी कभी ये सब चीजें फिर मैं बार बार कहता हूँ और इन्फोर्स करता हूँ कि आप मेरे ऊपर फिर कुछ लांछन लगाओ, पहले से ही मैं आपको सेफ साइड कर लूँ कि ये सब चीजें बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है। कई लोगों को कोई ब्लेड रख सकते हैं, कई लोगों को कुछ रख देते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे जो है उसने एक अब्रेसिव जैसी फीलिंग दी। तो दिस इज समथिंग अबाउट इट, एंड ऑफकोर्स द क्रीम इज सुपरबली फंटास्टिक। इसके बारे में कुछ ना बोला जाए तो अच्छा है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट 300 साल पुरानी कंपनी है ये, और बहुत ही लग्जूरियस एहसास होता है, बहुत ही माइल्ड, जेंटल और ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल कम की क्या कहूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी और एक अलग लेवल पे आपके जो है शेविंग को जाती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट सैंडलवुड आफ्टर शेव, परफेक्ट वे टू फिनिश योर शेव। और हाँ, एक बात और जरूर बताऊंगा, पिंक वुल्फ सीबकथर्न एलोवेरा प्री शेव ऑयल, और बहुत ही जो है इट इज नॉट थिक ऑयल, थोड़ा पतला है और स्मेयर करते हुए आपको चिपचिपा एहसास नहीं रहता, बहुत जल्दी ये अब्सॉर्ब हो जाता है, मगर वो जो एक लेयर बनती है ऑयल की उससे जो है शेव करने में बहुत मजा आता है। वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई रिकमेंड इट हाईली टू ऑल ऑफ यू। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट मेरे को मजा आता है इसको यूज करने में। सो दोस्तों, ये था आज का शेविंग सेशन, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा। तो आप अपनी शेविंग करते रहिए और लाइफ में जो है छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए, बड़ी चीजों के पीछे भागिए मगर छोटी चीजों को मत छोड़िए, अदरवाइज हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। सो आई विश, आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस, योर फैमिली मेंबर्स हैप्पीनेस, एंड विद दिस नोट लेट मी कॉल ऑफ द डे, टाटा बाय बाय, सायोनारा, एंजॉय शेव एवरी डे, जय हिंद।